दोस्तों फाइनली Redmi Note 12 सीरीज का अंडर और भी एक नया फोन लॉन्च कर दिया है, Redmi Note 12 T Pro। और दोस्तों आप में से जो जो सोच रहे हो कम कीमत पर एक बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए एक स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, आपके लिए ये फोन वन ऑफ द बेस्ट बन सकता है क्योंकि इस फोन का प्राइस बहुत कम है। सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो के साथ में शेयर करने वाला हूँ, वीडियो को लाइक देके अंत तक देखना। और इस टाइप का वीडियो, मोबाइल अनबॉक्सिंग टाइप का वीडियो एंड ऑफर रिलेटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों देखिए Redmi Note 12 T Pro, पहले मैं स्पेसिफिकेशन बोल देता हूं, डिस्प्ले का सेक्शन पर 6.6 इंच का आपको IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा, बट 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। मैं पहले ही बोल देता हूं गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन है, इसलिए कुछ-कुछ सेक्शन पर आपको कॉस्ट कटिंग देखने के लिए मिल रहा है। जो कैमरा का सेक्शन है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक सेक्शन पर देखने के लिए मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा है विदाउट OIS एंड आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रॉइड एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेटअप। फ्रंट में आपको सेंटर पांच होल के अंदर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा। बैक सेक्शन से 4K 40fps तक 40D 30fps तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे एंड फ्रंट सेक्शन में आप फुल HD 30fps तक मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। जो प्रोसेसर का सेगमेंट है सबसे बेस्ट है क्योंकि इधर आपको MediaTek Dimensity का 8200 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिल रहा है। गेमिंग के लिए बेस्ट है 6nm बेस्ट 5G वाला प्रोसेसर है, ओवर आपको 8 लाख के करीब आपको अंततः स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब एडिटिंग के लिए गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और 5000mAh का बैटरी 5080mAh का आपको बैटरी देखने के लिए मिलेगा, आपको 67 वाट का चार्जर भी देखने के लिए मिल जाएगा, आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का सेटअप मिलेगा, 3.5mm ऑडियो जैक का भी सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। और सॉफ्टवेयर का सेक्शन में आपको MIUI जो 14 है MIUI 14 के साथ Android 13 इन बॉक्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको इधर मेमोरी कार्ड का कोई भी सपोर्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक ही वेरिएंट चाइनीज मार्केट पर लॉन्च हुआ है, 8GB रैम के साथ आपको 128GB का ऑप्शन, मतलब एक ही वेरिएंट ने दो वेरिएंट लॉन्च हुआ है। जो बेस वेरिएंट है वो है 8GB 128GB इंटरनल मेमोरी, UFS 3.1 मेमोरी टाइप यूज किया है एंड LPDDR5 जो रैम टाइप यूज किया है, मतलब परफॉर्मेंस के लिए गेमिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। और दोस्तों ये वाला फोन इंडिया पर K सीरीज के अंडर लॉन्च होगा। जो K50i लॉन्च हुआ था वो था Redmi Note 11 T Pro का रीब्रांडेड वर्जन, मतलब चाइनीज मार्केट पर उस नंबर पर लॉन्च हुआ था और इंडिया मार्केट पर लॉन्च हुआ है Redmi का K50i इस नाम से। और वो वाला फोन अंडर 20,000 के अंदर लॉन्च हुआ है और ये वाला फोन भी इंडिया पर आपको अंडर 20,000 में देखने के लिए मिलेगा। आप मान के चलिए 21,000 भी जा सकता है, बट अंडर 20,000 में आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस प्राइस रेंज पर आपको एक बेस्ट आपको एक जो परफॉर्मेंस है और जो गेमिंग है गेमिंग के लिए बेस्ट आपको एक कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा और K60i होगा इस फोन का नाम। दोस्तों आप में से क्या कौन कौन सोच रहे हो इस फोन के साथ जाने के लिए गेमिंग के लिए इस प्राइस रेंज पर फोन खरीदारी करने के लिए, कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके हमको बताइए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का।